जो टॉप थ्री फील्ड्स थी जिनमें लोगों को फुलब्राइट मिली है, नंबर वन पे वो इंजीनियरिंग है। 35-40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जा रहे हैं इंजीनियरिंग के अंदर, जो ये कोई अलार्मिंग नंबर नहीं है। देखें, हमारी जो इस मुल्क की सबसे ज़्यादा जो ग्रेजुएट प्रोड्यूस है वो है ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। सेकेंड जो मोस्ट पॉपुलस फील्ड है, दैट इज़ द एरिया ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक सेक्टर साइड जो है ये फुलब्राइट का वन ऑफ द मेन फोकस एरियाज है, ठीक है। फुलब्राइट खुद रिकमेंड करता है कि आप इन एरियाज में अप्लाई करें। तो यहाँ पर अनदर 20-25% स्टूडेंट्स हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, इन प्रोग्राम्स के अंदर जो है ना वो जा रहे हैं। जो थर्ड मोस्ट पॉपुलस फील्ड है वो है जी एजुकेशन की। अब एजुकेशन जो है ना ब्रॉड है, मतलब एजुकेशन में एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, एजुकेशन मैनेजमेंट भी आ जाती है, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन भी आ जाती है, ठीक है। एजुकेशन का जो एरिया है ना, इसमें ऑलमोस्ट 10-12% स्टूडेंट्स हैं जो कि इस साल फुलब्राइट के ऊपर जा रहे हैं। वैसे एजुकेशन के साथ ना कंप्यूटर साइंसेज का भी तकरीबन मोर और लेस करीब करीब ही है। इस साइड के ऊपर ऑलमोस्ट अगेन 10-12% स्टूडेंट्स हैं जो कि फुलब्राइट इस साल भेजे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एग्रीगेट करें तो आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 70-80% स्टूडेंट्स जो है ना जिनको फुलब्राइट अवार्ड हुई है वो बेसिकली इन चार एरियाज को बिलोंग करते हैं। इन एरियाज में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें तो हर मतलब साल हम हज़ारों लाखों की तादाद में इंजीनियर्स हमारे ग्रेजुएट करते हैं, उनमें से अगर 30-35 स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो ये मेरा ख्याल है कोई इतना वो नहीं है। कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा होता है, तो हर फील्ड में अपना कंपटीशन है। अगर लेट सपोज अगर मैं लॉ उठा लूँ, लॉ में इस साल सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं जो कि लॉ के अंदर जा रहे हैं, बट लॉ के अंदर अप्लाई करने वाले भी बहुत कम होंगे, ठीक है। तो अगर इंजीनियरिंग में 35 स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो दैट डज नॉट मीन कि वहाँ पर अप्लाई करने वाले भी कोई 100-150 होंगे, वो अप्लाई करने वाले भी कोई वहाँ पर होंगे कोई 500-600 बच्चे होंगे जो अप्लाई कर रहे हों। बिजनेस या डेटा एनालिटिक्स में ना पिछले 2-3 साल में मैंने देखा है कि ट्रेंड आना शुरू हुआ है कि फुलब्राइट ऑलमोस्ट 5-7% स्टूडेंट्स जो है ना वो डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स में भी भेज रहे हैं। आर्किटेक्चर साइड के ऊपर 3-4 स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स फाइनेंस के ऊपर भी 3-4 स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, मैथ कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं, 4-5 स्टूडेंट्स हैं। हर प्रोग्राम फुलब्राइट पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है सिवाय क्लिनिकल मेडिसिन के। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपके पास रिक्विजिट एक्सपोजर है इन दैट फील्ड, तो डेफिनेटली फुलब्राइट आपको उस फील्ड में मिल सकती है।